हेलो गाइस, रिबॉर्न एज अ विलन के एपिसोड 162 में आप सभी का वेलकम। और आप लोग मेरी वीडियो को देखने के लिए आए, जिसके लिए आपका थैंक यू। और जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक किया था, आपका भी दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखते हैं आगे। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है चैन वुज इन स्प्रिंग वाटर के अंदर। वो उस वुड एलिमेंट के बारे में सोचते हुए मन में कहता है, जिस खिलाड़ी ने उस रास्ते के बारे में लिखा है उसे ब्लू लोटस कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि वो वुड स्पिरिचुअल के एक टुकड़े के बदौलत ऊपर चढ़ा। क्या ऐसा हो सकता है? और इस चीज के बारे में सोचते हुए थोड़ा हैरान हो रहा होता है। फिर ये सोचने के बाद में चैन वुजिन, जो बड़ा बबल होता है बीच में दोस्तों पानी का, उस बबल की तरफ देख के हैरान होते हुए कहता है, अच्छा ऐसा है, मैं समझ गया यहाँ पे क्या चल रहा है। और ये कहने के साथ में चैन वुजिन अपनी आई वाली स्किल को एक्टिवेट करते हुए कहता है, एसेंशियल ड्रैगन सेक्रेट आइस ओपन। और ये कहने के साथ में हमको दिखाया जाता है चैन वुजिन अपनी जगह से उछलता है और वो जो बड़ा वाला दोस्तों पानी का बबल होता है उसके अंदर सीधे उड़ते हुए जा रहा होता है। जब ग्रैंडपा भाई इस चीज के बारे में देखते हैं तो एकदम से वो शॉक्ड हो जाते हैं। वो कहते हैं, अरे इस बेवकूफ ने अब क्या कर दिया। और वो सोच रहे होते हैं, ये एकदम से अंदर चला गया, इसका क्या मतलब है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। फिर चैन वुजिन को दिखाते हैं, चैन वुजिन जो पानी के उस बड़े से बबल के अंदर जाता है तो वहाँ पे उसको एक लोटस फ्लावर दिखता है। और तभी चैन वुजिन उस बबल के पास पहुँचने के बाद में उस लोटस फ्लावर को देखने के साथ कहता है, हाँ मैंने तुमको ढूंढ लिया। और अपना हाथ उसको पकड़ने के लिए बढ़ा रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है चैन वुजिन उस लोटस फ्लावर को अपने हाथ में पकड़ के बड़े खुश होते हुए कहता है, ईस्टर्न ग्रीन वुड से रिलेटिव टॉप डिवाइन आर्टिफैक्ट जेड लोटस, मैंने इसे ढूंढ लिया। और हमें दिखाया जाता है जैसे ही चैन वुजिन ने उस आर्टिफैक्ट जो लोटस होता है दोस्तों उसको छुआ होता है, तभी वहाँ पे एकदम से एनर्जी वेव्स निकलना स्टार्ट हो जाती है। वो एकदम चमकने लगता है जिससे कि चैन वुजिन थोड़ा पीछे हट जाता है। और हमको बाद में पता चलता है वो जो लोटस फ्लावर होता है वो वहीं पे चैन वुजिन के छूने के कारण वो एकदम से वहाँ पे खिलना स्टार्ट हो जाता है, जिस कारण से उसमें से एनर्जी रिलीज हो रही होती है। चैन वुजिन जब देखता है कि ये फ्लावर खिल रहा है और इसके अंदर से इतनी एनर्जी निकल रही है, वो सोचता है लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है। फिर हमको पता चलता है वो जो लोटस फ्लावर होता है दोस्तों उसके अंदर एक फेरी होती है जो उसके अंदर बंद होती है, और वो फेरी उसी लोटस फ्लावर के अंदर बैठी होती है। जब चैन वुजिन देखता है कि वो जो लोटस फ्लावर है वो खिल गया है और उसके अंदर से एक फेरी है, तभी वो शॉक्ड होते हुए अपने मन में सोचता है, डिवाइन आर्टिफैक्ट ने अपनी सेंसेस को प्राप्त किया है और एक लिविंग क्रिएचर के रूप में बन गया है। फिर हमें दिखाया जाता है वो जो आर्टिफैक्ट होता है लोटस फ्लावर वाला, जो उसमें फेरी बैठी होती है, वो वहीं पे एकदम से उठती है और जमाई लेती है, चलो आखिरकार मैं जाग गई। और जागने के साथ में चैन वुजिन के सामने आके वहाँ फ्लाई करने लगती है और चैन वुजिन उसको देख रहा होता है। फिर वो जो छोटी सी फेरी होती है दोस्तों वो चैन वुजिन के सामने आकर चैन वुजिन से कहती है, मेरा नाम जियाओ लियान है, बहुत समय हो गया है जब कोई मेरे पास आया है, क्या आप मास्टर के दोस्त हैं? चैन वुजिन उसकी ये बात सुनने के बाद में थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और घबराते हुए हंस के कहता है, मैं नहीं जानता कि आपके मास्टर कौन है, मैं बस एक कल्टीवेटर हूँ जो महज इत्तेफाक से आपको बाहर निकालने में कामयाब रहा। चैन वुजिन की ये बात सुन के जो फेरी होती है दोस्तों वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और तभी चैन वुजिन की लिटिल फिंगर को अपने गले लगा लेती है और हंसते हुए कहती है, ये तो बहुत बढ़िया है, आखिरकार अब कोई भी मेरी फ्रीडम को रोक नहीं सकता है। चैन वुजिन जब उसकी ये बात सुनता है तो एकदम से शॉक्ड हो जाता है। वो सोचता है, कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी इसको बाहर निकाल कर, आखिर इसको बंद क्यों रखा गया था। फिर वो फेरी चैन वुजिन से कहती है, जब मैं होश में आई हूँ मेरे मास्टर ने मुझे यहाँ सबसे लंबे समय के लिए सील कर दिया है। और फिर वहाँ पे वो दुखी होते हुए कहती है, हर कोई जो मैं एनर्जी बनाती हूँ ग्रीन वुड के लिए बस उसी की स्पिरिचुअल पावर को चाहता है, किसी को इसकी परवाह नहीं है कि मैं कैसा महसूस करती हूँ। चैन वुजिन उसकी ये बात सुन के थोड़ा शॉक्ड हो जाता है, उसके पसीने आ रहे होते हैं। तभी वो फेरी चैन वुजिन के सामने आकर चैन वुजिन से बोलती है, बिना नाम वाले कल्टीवेटर क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मैं आपसे कुछ भी वादा कर सकती हूँ, बस आप मेरी मदद कर दीजिए। जब उस लिटिल फेरी ने बोला होता है मदद के लिए तो चैन वुजिन थोड़ा शॉक्ड होते हुए कहता है, अच्छा मदद? और अपने मन में सोचता है, अरे रुक जाओ, इस लोटस स्पिरिट के साथ क्या हो रहा है, चीजें इरोज की तरह क्यों खुल रही हैं? और वो थोड़ा मन में घबरा रहा होता है दोस्तों। जब चैन वुजिन इन सब के बारे में सोच ही रहा होता है तभी वो वुड फेरी एकदम से चैन वुजिन के सामने आकर अपने हाथों को जोड़ते हुए उससे कहती है, मैं लोटस के हार्ट से पैदा हुई थी और मैंने अपना कॉन्शियस प्राप्त किया, मुझे हेवन से ब्लेसिंग मिली, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं कब से यहाँ मेरे मास्टर के द्वारा सील की गई हूँ।
फिर वो वुड फेरी उस लोटस की तरफ अपने हाथों से इशारा करते हुए चैन विजिन से कहती है, अगर आप मुझे यहाँ से निकालने में मदद कर सकते हैं तो जो कुछ भी मेरा है वह सब आपका होगा। उस वुड फेरी की ये बात सुन के चैन विजिन सोचते हुए उससे कहता है, लेकिन ये जगह ऐसा लगता है कि इसे हजारों साल पहले ही छोड़ दिया गया हो। फिर उससे कहता है, लेकिन आपने कल्टीवेशन करके निकलने की कोशिश क्यों नहीं की यहाँ से। चैन विजिन की ये बात सुन के वो वुड फेरी जो होती है वो थोड़ा सैड होते हुए चैन विजिन से बोलती है, मैं अपने मास्टर को स्पिरिचुअल पावर देने के लिए एक टूल के समान हूँ, अगर कोई मुझे ट्रांसपोर्ट नहीं करता। और ये कहने के साथ में वो अपने कपड़े के ऊपर के बटन खोलने लगती है और चैन विजिन से बोलती है, अगर ये मेरा असली रूप है या मैं यहाँ ग्रीनवुड के प्लेस को छोड़ दूँ। और ये कहने के साथ में ही वो जो वुड फेरी होती है अपनी छाती को वहाँ पे खोल के दिखाने लगती है और हमें दिखाते वहाँ पे जो उसके बलून होते हैं उसके ऊपर वहाँ पे दोस्तों कुछ सीलिंग टैप लगी होती है जिसको वो दिखा रही होती है। और दिखाते हुए चैन विजिन से बोलती है, मैं इसके द्वारा यहाँ पर सील की गई हूँ, अगर मैं जाने की कोशिश करती हूँ तो मैं डिस्ट्रॉय कर दी जाऊंगी। चैन विजिन उसके बलून पे उसकी सील को देखते हुए कहता है, क्या ये सीलिंग एंशिएंट टाइम की है। उसकी ये बात सुनने के बाद में वो जो वुड फेरी होती है वो उदास होते हुए कहती है, हाँ ऐसा हो सकता है लेकिन मुझे नहीं पता। और चैन विजिन उसकी तरफ अपनी उंगली बढ़ा रहा होता है और तभी हमें दिखाते हैं जैसे चैन विजिन अपनी उंगली बढ़ाकर उसकी एक सील को टच करने वाला होता है तभी वो एकदम चिल्ला के बोलती है, नहीं ऐसा मत करो। और हमको पता चलता है कि जैसे ही कोई भी उसकी सीलिंग को ऐसे छूने की कोशिश करता है तो एकदम से वो धमाका हो जाता है उसके अंदर, जिस चीज के कारण वो एकदम चिल्लाती है और उसके चारों तरफ से वहाँ पे धुआं ही धुआं निकल रहा होता है। चैन विजिन जब ये देखता है कि उसकी सील को टच करने के बाद एकदम से ब्लास्ट हो गया, एकदम से घबरा जाता है, उसके पसीने छूट जाते हैं और तभी वो चिल्ला के कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं केवल ये देखना चाहता था कि क्या मैं सील तोड़ सकता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद वो जो वुड फेरी होती है वो अपने आप को धीरे से संभालते हुए कांपते हुए चैन विजिन से बोलती है, प्लीज इस सील को मत छुओ। और फिर वो धीरे से अपने आप को किसी तरीके खड़ा करती है और चैन विजिन से बोलती है, ये सील सीधे मेरी सोल से जोड़ी गई है, उन्हें तोड़ने का कोई रास्ता नहीं है। हेलो गाइस, आई होप कि आपको एपिसोड देखने में मजा आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज गाइस मेरा सपोर्ट करें, जल्दी से मेरा 5K कंप्लीट करवा दीजिए। और इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, लव यू ऑल।